हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हाय एवरीवन, आई जैनिस फ्रॉम कुष्मांडा एजुकेशन। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले जो 2020 में आईएएस और एचसीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, इसमें हम आपको करंट अफेयर के वो टॉपिक्स कराएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हमें लगता है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हम तकरीबन आपको 2019 और 2020 के करंट अफेयर जो है उसके मेन मेन टॉपिक कराएंगे और डिटेल में ये टॉपिक्स कराएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो करके आएं, छोड़ के ना आएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल संकट पर जारी की गई WRI की रिपोर्ट, ठीक है, कि लिस्ट में जो है भारत कौन से स्थान पर है, इस टाइप से जल संकट पर क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है भारत है 13वें स्थान पर। सबको पता है आपको कि जल ही जीवन है। पिछले कुछ सालों में हम पानी के मामले में ज्यादा घाटे में रहे हैं। कई जगहों पर तो लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए भी मोहताज हो गए हैं, इतनी क्राइसिस आ रही हैं इंडिया में। गंभीर जल संकट वाला देशों से संबंधित इस रिपोर्ट में बढ़ती मांग के कारण जो है विश्व स्तर यानी वर्ल्ड लेवल पर 1960 के बाद से पानी की निकासी दुगनी हो गई है, यानी पानी जो है काफी मात्रा में यूज होने लगा है, डबल। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में दुनिया भर की एक चौथाई आबादी यानी 1/4 पॉपुलेशन जो है पानी की प्रॉब्लम से जूझ रही है। WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के ने दुनिया भर के देशों में पानी की किल्लत को देखते हुए यह अध्ययन किया है। WRI ने बताया कि भारत के कई स्थानों पर पानी की समस्या जो है, आपको सबको पता है चेन्नई में तो है ही, उससे भी ज्यादा है। अध्ययन में पेयजल की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया और साथ ही जल संकट से बचने के यानी उससे उभरने के उपाय भी सुझाए गए हैं इस रिपोर्ट में। पानी की परेशानी के अनुसार देशों को नंबर दिए गए हैं, यानी जो ये लिस्ट में देश रखे गए हैं इसमें उन्हें नंबर दिया गया है, यानी सीरीज में रखा गया है। तो WRI की रिपोर्ट में जो है ये 17 कंट्रीज यानी 17 देशों को गंभीर जल संकट वाला देश बताया गया है और इन 17 देशों में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, वो 13वां स्थान है। यानी WRI ने बताया कि भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ की आबादी जो है कंपैरिजन टू अनदर 16 कंट्रीज जो है 16 देशों की कुल आबादी का 3 गुना अधिक है, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उनसे 3 गुना अधिक है जो और देश हैं। अब भारत में जो है जल संसाधन अहम समस्याएं कैसे हैं, भारत में पानी की इतनी कमी क्यों हो गई है ये देखते हैं। पानी क्या है, नलों में आ गया है और लोगों ने जो कुएं हैं और ये क्या कहते हैं तालाब हैं कुटिया हैं वो छोड़ दिए हैं, ठीक है। तालाबों की जमीन पर जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, वहां पे क्या है उनको पानी जो है तालाबों को भर के फिल करके वो लेवल करके वहां पे पानी खत्म करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो नदियों का जो मीठा पानी है वो क्या है पाइपलाइनों के थ्रू शहरों तक आ गया है। अब हर साल जो है सूखा और जल संकट हमारी जो नियति बन गई है क्योंकि साल दर साल बारिश के जो आंकड़े हैं वो लगातार कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। इस साल भी लगातार 5वें साल देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ रहा है, लगातार 5 साल हो गए सूखा पड़ते हुए। समाज और सरकारों ने व्यक्ति की बुनियादी जरूरत और जिंदगी के लिए सबसे अहम होने के बाद भी पानी को कभी अपनी प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया, यानी हमने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया पानी पे क्योंकि सब एक नॉर्मल सी चीज मान रहे हैं पानी को। हमेशा इसके लिए काम चलाओ तरीके ही अपनाए गए, इन पर कभी भी
समग्र और दूरगामी परिणामों को सोचते हुए इन फ्यूचर इन सोचते हुए पानी के बारे में कोई भी स्कीम्स वगैरह नहीं बनाई गई, ना ही फैसले लिए गए। प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय हितों की लंबे समय तक लगातार अनदेखी की जाती रही। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सभी जानते हैं से ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पानी के पारंपरिक स्रोत रहे हैं और हिमालय से आने वाली गंगा सहित अन्य नदियां इन पर निर्भर है। सिर्फ नदियां ही नहीं, इन पर आश्रित करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे बड़ा खतरा तो बारिश पर ही है। बारिश की अनिश्चितता और भी बढ़ गई है ग्लोबिंग वार्मिंग से। यह जुड़ी है सीधे तौर पर हमारी खेती से। बारिश नहीं होती है तो इसका जो रिलेशन है वो खेती से ज्यादा है, क्योंकि डिपेंड होते हैं खेत बारिश पे। इसलिए आने वाले वक्त में किसान और किसानी दोनों के लिए ज्यादा चुनौती भरे समय होगा, क्योंकि पानी की जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है, जिससे कि हमारे जो ट्यूबवेल हैं उनकी जो पाइपलाइन होती है वो काफी नीचे तक, यानी 300 300 400 400 फुट नीचे जाने लगी। तो पानी की किल्लत हो गई है, इसका खेती पे असर पड़ रहा है। पशुओं के साथ रह रहे 50,000 किसान, ये भी एक न्यूज है आपकी आजकल, कहाँ पे रह रहे हैं? महाराष्ट्र में के अहमदनगर के जिले में करीब 50,000 किसान पशुओं के कैंपों में रहने लगे हैं। क्यों रहने लगे हैं, इसकी वजह क्या है? इन कैंपों में पानी की अवेलेबिलिटी है, क्यों है उपलब्धता, और जल स्रोत सूख रहे हैं। जबकि क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसने क्या किया है, जिले में 500 पशु कैंप खोल दिए हैं ताकि उन्हें उचित चारा पानी मिल सके। यानी पशुओं के लिए तो पानी है लेकिन इंसानों के लिए पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, किसान जो है पशुओं के साथ ही रह रहे हैं ताकि उन्हें पानी मिल सके। देखिए क्या लेवल आ गया है इंडिया में। ठीक है, तो सूबे में फिलहाल ऐसे करीब कितने कैंप हैं, 1500 कैंप ऐसे हैं, यानी पशुओं के लिए पानी है और इंसानों के लिए नहीं है। इसी तरह हम भारत के कर्नाटक में देखते हैं, कई जगहों पर सरकारी स्कूलों में क्या हुआ है कि मिड डे मील ना देने के मामले सामने आए हैं। ऐसे भी कई जगहों पर हुआ है कि स्कूल जो है आधे दिन ही चलाए जा रहे हैं, यानी मिड डे मील ना देने दिया ही नहीं है, हाफ डे कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं बच्चों को मील देने ना पड़े, और या फिर गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। कहाँ पे, कर्नाटक में कुछ स्कूल जो है पत्तों पर खाना परोस रहे हैं। क्यों? ताकि प्लेटें ना धोनी पड़े, पानी खर्च ना हो, ये हाल आपका कर्नाटक में है। इसी तरह जो है डैम्स में देखिए, बांधों में जल का स्तर जो है, लेवल जो है लगातार गिर रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को सूखे को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। बीते 10 सालों में औसत के मुकाबले इन राज्यों में 91 जलाशयों में पानी कितना है, 20%, यानी 20% से भी कम रह गया है। तो केंद्र सरकार ने क्या की है, एडवाइजरी जारी कर दी है। पश्चिम भारत के 27 मुख्य जल स्रोत और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों के 31 जलाशयों में इनकी क्षमता का कुल 11%, यानी 11% पानी मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक 7 जून यानी 2019 की 7 जून तक देश का जो है 43.5% हिस्सा जो है सूखे की मार का सामना कर रहा था। कर्नाटक का 80% हिस्सा जो है और महाराष्ट्र का कितना, 72% क्षेत्र जो सूखे की मार अभी भी झेल रहा है। तो इस तरह से ये न्यूज है। अब आगे चलते हैं, असम की राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC की जो है लास्ट लिस्ट में यानी अंतिम सूची में कितने लोगों को नागरिकता सूची से बाहर किया गया है, ये आपका इस न्यूज पे क्वेश्चन बनेगा। तो कितने लोग हैं ये आपके, 1906657, ये रिपोर्ट आपकी 2019 में पेश की गई, कब, 31 अगस्त को। तो सबसे पहले अब हम इसकी डिटेल जानते हैं कि जो NRC की फाइनल लिस्ट है तो वो क्या है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि NRC क्या है, ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। असम की राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC जारी किया गया है। तो NRC की जो अंतिम सूची में जिन लोगों का नाम
इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। उनके पास नागरिकता सिद्ध करने के लिए कितने दिन दिए गए? 120 दिन। विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील करने का इन्हें अधिकार है 120 दिनों में। इसके बाद जो है ये हाई कोर्ट तक जो है अपील कर सकते हैं, उनके जो ऑप्शन खुले रहेंगे। पिछले साल जारी लिस्ट में कितने लोग? 41 लाख लोगों के नाम छूट गए थे, जिसमें से ज्यादातर कौन थे? मुसलमान, बंगाली और आपके हिंदू। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए नागरिकता रजिस्टर है क्या, एनआरसी। ठीक है, यह किसी राज्य या देश में रह रहे नागरिकों की विस्तृत रिपोर्ट है, डिटेल जानकारी होती है इसमें। भारत में जो पहला नागरिक रजिस्टर है वो 1951 में जनगणना के बाद तैयार हुआ। इस रजिस्टर में दर्ज सभी को भारत का नागरिक माना गया। यह एक इकलौता नागरिक ब्यौरा रजिस्टर है आपका। अब असम में एनआरसी क्या है? 1986 के नागरिकता कानून में संशोधन करके असम में भारतीय नागरिकता के नियम बदले गए, जिसके तहत 1951 से 24 मार्च 1971 की रात्रि यानी मिडनाइट तक भारत में रहने वालों को ही भारतीय माना जाएगा। ये इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग माना गया है। अब एनआरसी में जो लोगों के नाम नहीं आए हैं उनके ऑप्शन क्या हैं? वो 120 दिन के अंदर विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे। तो ऐसे लोग जो है, कितने ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे इनके? इनके 1000 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। ऐसे मामलों की सुनवाई जो है वो जो है 100 और ट्रिब्यूनल तैयार किए जाएंगे और सितंबर तक 200 और तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो अब राज्य में एनआरसी के हम जान लेते हैं अध्यक्ष कौन है। ये हैं आपके प्रतीक हजेला अध्यक्ष हैं। के मुताबिक जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, जो जरूरी कागजात जमा कर पाने में असफल रहे हैं, केंद्र सरकार और असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि इस लिस्ट में नाम ना होने पर किसी भी व्यक्ति को एक तो हिरासत में नहीं लिया जाएगा, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हर संभव मौका दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस परियोजना हेतु भारत में लोगों को समुद्र में 6000 मीटर तक की गहराई तक भेजने की तैयारी चल रही है? तो क्वेश्चन इस टाइप से आपके एग्जाम में आएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें 6000 मीटर डीप में भेजा जाएगा लोगों को। तो ये आपका प्रोजेक्ट है समुद्र यान। ठीक है, इस तरह से लोगों को ऐसे यान होगा जिसके नीचे भेजा जाएगा लोगों को। इसको हम डीप ओशियन मिशन के नाम से भी जान रहे हैं, जो डीप सी का सर्वे करेगा। भारत समुद्र की गहराई में मानव भेजने की परियोजना यानी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस परियोजना का नाम जो है क्या है? समुद्र यान है। भारत सबमर्सिबल व्हीकल जो मैंने अभी आपको दिखाया, मानव को गहरे समुद्र में उतारेगा। यह परियोजना यानी प्रोजेक्ट जो है 2021 और 22 तक पूरा हो सकता है। इस बात की जानकारी किसने दी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के निदेशक किसने? M.A. आत्मानंद ने दी। तो इस परियोजना यानी प्रोजेक्ट के मुताबिक समर्सिबल व्हीकल से 3 लोगों को समुद्र में करीब 6000 मीटर तक की गहराई तक भेजा जा सकेगा। देसी तकनीक से निर्मित सबमर्सिबल व्हीकल कितने घंटे? 72 आवर्स तक 6 किलोमीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना की तरह ही NIOT ने 200 करोड़ की लागत वाली समुद्र यान परियोजना शुरू की है। सबमरीन समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जा सकती है।
समुद्रयान परियोजना यानी इस प्रोजेक्ट की असफलता से भारत महासागरों से खनिज पदार्थ निकालने वाले विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। भारत इस तरह का मिशन शुरू करने वाला पहला विकासशील देश है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा अविकासशील देश है जो समुद्रयान परियोजना कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए भारत है। फिलहाल इस परियोजना का वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। फिलहाल समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना का हिस्सा है। तो कौन सी परियोजना का हिस्सा है ये? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना का हिस्सा है। यह 6000 करोड़ की लागत वाले डीप ओशन मिशन का भी भाग है। डीप ओशन मिशन का भाग है जिसे सिद्धांतिक रूप से अनुमति मिल चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अमेरिका के द्वारा किस देशों के संगठन के साथ पहली बार नौसैनिक यानी नेवल नाउ नेक्स्ट है अमेरिका के द्वारा किन देशों के संगठन के साथ पहली बार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की गई? तो किन देशों के साथ? ये आपका ग्रुप ऑफ आसियान। तो आसियान ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आसियान नहीं मालूम है उनके लिए हमें जानना जरूरी है कि आसियान में कौन से देश आते हैं जिसके साथ अमेरिका जो है नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कर रहा है। तो पहले हम ये जान ले आसियान क्या है। तो आसियान है एक विकासशील देशों का गुट है। आसियान आसियान में कौन से देश हैं? ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देश इसमें आसियान के गुट में शामिल हैं। तो आसियान का जो दायरा है वो 44 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 3% एरिया कवर करता है। इस संगठन में 63 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है। तो आसियान क्या है इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त को। कब इसकी स्थापना हुई? 8 ऑफ अगस्त 1967 को बैंकॉक में थाईलैंड में। तो 34वां आसियान सम्मेलन जो था 2019 में थाईलैंड में हुआ। आसियान में के जो मेंबर हैं वो कितने हैं? वो आपके 10 मेंबर्स हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है। तो आदर्श वाक्य यानी इनका मोटो क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आसियान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। उद्देश्य क्या है इसका? क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब एक विकासशील देशों का गुट है ये, तो जान ले हम क्या है आसियान। तो लेकिन क्या है, आज गैर सदस्य अमेरिका, चीन और जापान जैसे संपन्न देश भी इसमें रुचि रखने लगे हैं, इंटरेस्ट लेने लगे हैं। वहीं भारत भी इसका सदस्य नहीं होने के बावजूद आसियान के साथ लगातार बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिशों में जुटा है। 8 ऑफ अगस्त 1967 को आसियान डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जो है इसके संस्थापक देश हैं। 1992 में क्षेत्रीय वार्ता भागीदारी के माध्यम से भारत और आसियान का मिलन हुआ और 2002 में पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ और 2017 में आसियान की 50 वर्षगांठ थी। ठीक है, अब जो है आसियान भारत के बीच जो है क्या बातचीत होती है, कैसा मिलन है ये देख लेते हैं। भारत के बीच शांति, सहयोग व साझा समृद्धि को बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन आसियान भारत की भागीदारी के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका जो तीसरा संस्करण है यानी 2016 से 20 अगस्त 2015 में हुई आसियान भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह अपनाया गया। इस समय अवधि में
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई कि किसको प्राथमिकता दी जाए, किसमें सुधार होना चाहिए। भारत व आसियान के बीच बहुपक्षीय संबंधों का विकास देश के आर्थिक उदारीकरण के बाद ही शुरू हो गया। इसी कड़ी के 25 साल पूरे होने के मौके पर आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने भविष्य में यात्रा के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराया। भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। भारत एवं आसियान देशों के संबंध किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा एवं दावेदारी से मुक्त हैं और दोनों के पास भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण है जो समावेशन एवं एकीकरण, सभी राष्ट्रों की सार्वभौमिक समानता तथा व्यापार और पारस्परिक संबंधों के लिए स्वतंत्र और एवं खुले मार्गों के समर्थन की प्रतिबद्धता पर आधारित है। तो ये इनकी बातचीत का मोटिव मैं आपको बता रही हूँ। आसियान भारत जो है कनेक्टिविटी दोनों पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आसियान संपर्क जो है समन्वय समिति का तीसरा संवाद साझेदार भारत 2013 में बना। आसियान भारत के लिए 20 समुद्री और हवाई क्षेत्रों में संपर्क का तेजी से विस्तार हुआ। जब इन दोनों के संबंध हुए तो हमारा समुद्री और हवाई क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ। दोनों पक्ष प्राथमिकता के आधार पर महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में राजमार्गों का विस्तार कर रहे हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को आपस में जोड़ने वाली सड़कों के साथ यात्रियों व माल परिवहन को जोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया में पर्यटन के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में अब भारत भी शामिल हो गया है। तो ये आपका इसका महत्व है आसियान और भारत के मिलन का। 25 और 26 जैन को नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन जो है उसका थीम है साझा मूल्य सामान्य नियति यानी शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी। और राजपथ पर भारतीय गणतंत्र की 69वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में आसियान के सभी 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बतौर मुख्य अतिथि रूप बुलाया गया था। उनकी मौजूदगी थी वहां पे 26 जनवरी को। भूमि एवं समुद्री मार्गों से जुड़े दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान के साथ लुकिस्ट नीति एफ पिछले 3 वर्षों से एक्टिस्ट नीति के तहत द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। तो दो नीतियों के चलते ये संबंध मजबूत हो रहे हैं, कौन सी, लुकिस्ट और एक्टिस्ट। तो भारत जो है लुकिस्ट नीति के तहत जान लेते हैं क्या कर रहे हैं। इन देशों के बीच इनके साथ जुड़कर अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। आसियान देशों में से सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश है। तो कौन सा देश सबसे बड़ा सहयोगी देश है, वो है आपका सिंगापुर। आसियान और भारत रणनीतिक साझेदार है और 30 व्यवस्थाओं के जरिए व्यापक आधार वाली आपसी साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है। आसियान के प्रत्येक सदस्य देश के साथ भारत की राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी दिन पे दिन बढ़ रही है साझेदारी। तो आसियान भारत संबंध जो है वो 2012 में दोनों पक्षों के संबंध की 20th वर्षगांठ पर रणनीतिक साझेदारी में बदल गए। दोनों पक्षों के बीच एक वार्षिक लीडर्स समिट एवं 7 मंत्री स्तरीय वार्ताओं सहित लगभग कितने मंच हैं, 30 मंच हैं। भारत सक्रियता पूर्वक आसियान क्षेत्रीय फोरम आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एवं पूरे एशिया समिट सहित आसियान के नेतृत्व वाले मंचों में भाग लेता रहता है। तो नेक्स्ट है, किस तीर्थ स्थल को देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल के रूप में चयन किया गया है, तो यह है आपका श्री माता देवी वैष्णो देवी। तो यह क्या है, वैसे तो सब जानते ही हैं, फिर भी हम डिटेल जान लेते हैं।
यह मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर जो है वो 5,200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। जम्मू के कौन से पर्वत पर? त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और वैष्णो देवी की गुफा में प्राकृतिक रूप से तीन पिंडी बनी हुई है। आप देख रहे हैं तीनों पिंडियां। यह पिंडी देवी सरस्वती लक्ष्मी और काली की है, यानी ये तीन पिंडियां जो है भक्तों को इन्हीं तीन पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माँ वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। ये आपको पता था कि इनमें से माँ वैष्णो देवी की कोई पिंडी नहीं है, ये आपके सरस्वती लक्ष्मी और काली की है। और जबकि हम जाते वहां क्या करने हैं, वैष्णो माँ के दर्शन करने जाते हैं, जबकि वहां इनकी कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ आदर्श रूप से मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान कहलाता है। ये पता चला आपको, नई बात पता चली, ये आपको पहले से पता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का जो निर्माण है लगभग 700 ईयर्स पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर, तो किसने किया था? पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास 2019 आयोजित किया जा रहा है? तो कौन से दो देश हैं? भारत और अमेरिका। तो ये कहाँ किया गया? वाशिंगटन में। अब इस अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इसका आयोजन जो है ज्वाइंट बेस लुइस मैककार्ड वाशिंगटन में किया गया। तो कहाँ किया गया? ये यहां किया गया। इस सैन्य अभ्यास को हम क्या कहते हैं? युद्ध अभ्यास 2019 इसे नाम दिया गया। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 19 शुरू हो गया है, जो 18 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी 2019 18 सितंबर को ये खत्म हो गया है। यह सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यासों में से एक था। यह भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की इसमें कोशिश की गई थी। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इसका आयोजन जो है ज्वाइंट बेस लुइस मैककार्ड वाशिंगटन में किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे। यह अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से चलने वाले सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयासों में से एक है। चलिए नेक्स्ट है। वैश्विक यात्रा यानी ग्लोबल जर्नी और टूरिज्म इंडेक्स पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कितनी रैंकिंग रही है? ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो आपकी रैंकिंग है भारत की 34th। इस वर्ष जो है वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में कुल कितने देशों ने भाग लिया? ये थे आपके 140 कंट्रीज ने भाग लिया। वैश्विक यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक यात्रा एफ पर्यटन प्रतिस्पर्धता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 6 अंक सुधरकर 34 हो गई है। विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यू यू ई एफ की बुधवार को जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई कि वर्ष 2017 में यह रैंकिंग 40वें स्थान पर थी, जो अब 34 हो गई है। इसकी अहम वजह क्या है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन के मामले में भारत का समृद्ध होना और कीमत के लिहाज से बेहद प्रतिस्पर्धी होना, इस वजह से इसकी रैंकिंग सुधर गई है। तो WUEF के इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर रहा वो कौन रहा? स्पेन। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका शीर्ष 5 में शामिल है। ब्रिटेन की रैंकिंग जो है 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई।
लो हो गई है रैंकिंग ब्रिटेन की। भारत की रैंकिंग में सुधार की वजह क्या है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिसमें समृद्ध होने के चलते ही भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की जारी रिपोर्ट के मुताबिक उपखंडों में भारत को बेहतर वातावरण के लिए 33वां स्थान मिला है, वहीं बुनियादी और बंदरगाह ढांचे में 28वां, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता में 51वां और प्राकृतिक सौंदर्य में 14वां स्थान मिला है। वहीं अगर सांस्कृतिक संसाधनों की बात की जाए तो भारत का स्थान जो है वो 8वां है। दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश हिस्सा रखने वाला भारत इस उपमहाद्वीप में सबसे प्रतिस्पर्धी यात्रा पर्यटन अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा जंगली घास से एथेनॉल बनाने में सफलता हासिल की गई है? ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो है आपका डॉक्टर ललित कुमार सिंह। आप जान लेते हैं सबसे पहले एथेनॉल क्या है। एथेनॉल जो है एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। उद्योग में एथिल अल्कोहल की उपयोगिता इसकी अत्युत्तम विलेयक शक्ति के कारण है। इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल तथा निष्कर्ष ईयर, क्लोरोफॉर्म, कृत्रिम रंग, पारदर्शक साबुन, इत्र तथा फल की सुगंधों का निष्कर्ष और अन्य रासायनिक यौगिक बनाने में भी होता है। पीने के लिए विभिन्न मदिराओं के रूप में होता है इसका उपयोग। घावों को धोने में इसका उपयोग होता है। जीवाणु नाशक के रूप में भी तथा प्रयोगशाला में घोलप के रूप में इसका उपयोग होता है। पीने की औषधियों में यह डाला जाता है और मरे हुए जीवों को संरक्षित रखने के लिए यानी प्रिजर्व करने के लिए इसका उपयोग होता है। साधारणतः अल्कोहल शीरे से, तो शीरा क्या है ये भी जान लेते हैं जिन्हें नहीं समझ आ रहा है, जो शक्कर और चुकंदर के मिलों में व्यर्थ बचा पदार्थ होता है उससे बनाया जाता है। तो डॉक्टर ललित कुमार ने जंगली घास जिसे हम कांस भी कहते हैं से सस्ता एथेनॉल बनाया। हरकॉट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी HBTU कानपुर के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार सिंह ने जंगली घास यानी कांस से सस्ता एथेनॉल बनाने में सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर सिंह ने 3 चरणों में कांस घास से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया विकसित की। उनके शोध पत्र को अमेरिका के बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल जर्नल ने प्रकाशित किया। इस तकनीक पर लिखी उनकी पुस्तक को अमेरिका प्रकाशन जॉन बिले एंड सन्स पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया। डॉक्टर सिंह ने तकनीक का पेटेंट भी फाइनल कर दिया है। नेक्स्ट है, कौन सी ट्रेन देश की पहली निजी कॉर्पोरेट ट्रेन होगी? तो कौन सी ट्रेन होगी? तेजस यानी तेजस एक्सप्रेस। IRCTC की ओर से संचालित तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को 25 लाख रुपीज का निशुल्क बीमा भी दिया जाएगा। रेलवे के सहायक कंपनी जो है IRCTC ने यह जानकारी दी। 1 घंटे से अधिक का विलंब होने पर 100 रुपीज की राशि अदा की जाएगी, जबकि 2 घंटे से अधिक की देरी होने पर 250 रुपीज का आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। ये देखिए आपकी ट्रेन है तेजस ट्रेन, देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन। तेजस एक्सप्रेस देश की पहली जो है प्राइवेट ट्रेन है। ये ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन जो है 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन यानी IRCTC इस ट्रेन का संचालन करेगा। इस ट्रेन के जरिए लखनऊ और दिल्ली के बीच का जो सफर है वो महज 6 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जाएगा। ट्रेन कानपुर और गाजियाबाद से होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी।
यह ट्रेन जो है सप्ताह में कितने दिन चलेगी? 6 दिन। तेजस एक्सप्रेस से एसी चेयर कार में लखनऊ से दिल्ली के लिए आपके जो कितने रुपए चुकाने होंगे? टिकट होगा आपका 1125 का। इसका परिचालन भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जंक्शन से तेजस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में करीब कितने यात्री सवार थे? 400 पैसेंजर। इस स्पेशल ट्रेन का नंबर जो क्या है? 00501 है। यह ट्रेन बीच में केवल कानपुर और गाजियाबाद में रुकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा दुनिया की पहली क्लोन बिल्ली बनाने में सफलता हासिल की गई? तो ये क्वेश्चन है आपका इस न्यूज पे। तो चीन ने सफलता हासिल की। इसकी कौन सी कंपनी है? सिंगोजीन कंपनी। दुनिया के कई देशों में जो है पालतू जानवरों क्लोनिंग पर रोक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन अनुमति लेकर हम कोई भी देश अमेरिका और दक्षिण कोरिया में पालतू पशुओं का क्लोन बना सकता है। ये देखिए, ये वो बिल्ली है। इस क्लोन बिल्ली का जन्म जो है कब हुआ? ये है 2019 21 जुलाई में हुआ। यह गार्लिक नामक पालतू बिल्ली की पूरी तरह नकल है। गार्लिक की मौत के बाद, यानी यह गार्लिक नामक एक बिल्ली का क्लोन है, और गार्लिक की मौत के 7 महीने बाद यह क्लोन बिल्ली पैदा हुई। सिंगोजीन बीजिंग की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने बिल्ली का क्लोन बनाया। यह कंपनी अब तक 40 से ज्यादा पालतू कुत्तों के क्लोन तैयार कर चुकी है। इस प्रक्रिया पर प्रति क्लोन करीब जो है $53,000, यानी कि करीब 38 लाख रुपीज की लागत आती है, जबकि बिल्ली तैयार करने में $35,000, यानी 35,000 डॉलर, यानी करीब 25 लाख, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट है, रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, तो पालतू बिल्ली गार्लिक का जो क्लोन तैयार कराया गया है वो किसने कराया है? ये है आपका हुआंग यू। 23 वर्षीय हुआंग यू ने अपनी गार्लिक नामक पालतू बिल्ली के मरने के बाद यह क्लोन तैयार कराया है। नेक्स्ट है, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ लड़ाई में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के विकास की संस्था है, जिसके साथ जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने समझौता किया है। टीबी से लड़ाई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित समाधान के लिए MOU, तपेदिक जो है यानी टीबी के खिलाफ लड़ाई में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीके खोजने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का अभियान। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए टीबी मुक्त भारत अभियान का भी आगाज हुआ यानी स्टार्ट हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय यानी SEARO तथा स्टॉप टीबी के सहयोग द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीबी को 25 ईयर्स पहले जो है WHO द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था, तभी से इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। भारत भी पिछले काफी समय से टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए
2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 रखा है। हम नई रणनीति के साथ भारत जो है इस लड़ाई में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी यानी TRS कराया जाएगा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग वैश्विक व्यापार बढ़ाने की अपनी रणनीति प्रतिबद्धता के तहत 1 से 7 अगस्त के बीच भारत का प्रथम राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी अथवा समय सारणी अध्ययन इंडियाज फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी TRS कराएगा, यानी 2019 में आपका 1 से 7 अगस्त के बीच ये जो है इंडियाज फर्स्ट नेशनल टाइम रिलीज स्टडी जो है हो चुका है, और ये जो है एवरी ईयर यानी इसी टाइम पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में? 1 से 7 अगस्त तक, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में आए साल हुआ करेगा। चलिए अब ये जानते हैं कि टाइम रिलीज स्टडी क्या है। TRS जो है दरअसल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक साधन है यानी टूल है, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह की दक्षता एवं प्रभावकारिता मापने के लिए किया जाता है, और इसकी वकालत जो है विश्व सीमा शुल्क संगठन ने की है। लास्ट ईयर इससे जुड़ी भारत की रैंकिंग जो थी 146 थी, और अब जो सुधर कर कितनी हो गई, आपकी पोजीशन इसकी 80 हो गई है। यह अध्ययन एक ही समय में कितनी बंदरगाहों पर किया जाएगा, 15 पे कराया जाएगा, जिसमें से समुद्री, हवाई, भूमि और शुष्क बंदरगाहें भी शामिल है, जिनका आयात संबंधी कुल प्रवेश बिल यानी बिल ऑफ एंट्री में 81% और भारत के अंदर दाखिल किए जाने वाले निर्यात संबंधी शिपिंग बिलों में 67% हिस्सेदारी होती है। इस पहल के जो अपेक्षित लाभार्थी निर्यात उन्मुख उद्योग और जैसे सूक्ष्म, बिल्कुल छोटे उद्योग, फिर छोटे उद्योग और फिर मीडियम उद्योग यानी MSME होंगे, जो तुलनीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भारतीय प्रक्रियाओं के और अधिक मानकीकरण से लाभ उठा पाएंगे। ये उद्योग, छोटे उद्योगों के बारे में सोचा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार प्रवाह के मार्ग में मौजूद बाधाओं की पहचान करना और उन्हें दूर करना। जो भी आपका व्यापार प्रवाह यानी कंटिन्यूटी बिजनेस में रोक थाम होती है, जिसमें कंटिन्यू नहीं हो पाता बिजनेस, उसमें जितनी भी बाधाएं मौजूद होती हैं पहले तो उन्हें हम पहचानेंगे और फिर उनकी रोकथाम करेंगे। कार्गो, कार्गो क्या होता है? यानी माल के आगमन से लेकर इसे भौतिक रूप से जारी करने तक वस्तुओं की मंजूरी के मार्ग में मौजूद नियम आधारित और प्रक्रियात्मक जो है बाधाओं को विभिन्न टच पॉइंट सहित को मापा जाएगा। मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बारीकी से मापा जाएगा, कहने का मतलब ये है। प्रभावशाली व्यापार नियंत्रण में से कोई भी समझौता किए बगैर सीमा संबंधी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक संबंधित नीतिगत और क्रियाशील उपाय किए जाएंगे। TRS के निष्कर्षों के आधार पर सीमा पार व्यापार से जुड़ी सरकारी एजेंसियां उन मौजूदा एवं संभावित बाधाओं को पहचानने में समर्थ हो जाएगी जो व्यापार के मुक्त प्रवाह के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही सरकारी एजेंसियां जो है माल या कार्गो जारी करने के समय को घटाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाएगी, यानी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, कम समय लगेगा। यह पहल केंद्रीय अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सीमा शुल्क बोर्ड की अगुवाई में हो रही है। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा करंट टॉपिक, जो लेटेस्ट इशू होगा उस पर हम बात करेंगे। तो आज का टुडेज करंट टॉपिक क्या है? केजरीवाल ने जो है हैट्रिक की है तीसरी बार, यानी कितनी सीटों के साथ? 62 सीट्स के साथ। विकास के एजेंडे पर दिल्ली चुनाव में उतरे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हैट्रिक लगाई है और 70 में से 62 सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और विकास को अपना चुनावी मुद्दा बनाने वाली आम
आदमी पार्टी जो है जीत गई है तीसरी बार। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है और केजरीवाल ने पीएम मोदी की बधाई देने पर ट्वीट किया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे कैपिटल सिटी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मैं केंद्र के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद रखता हूँ। इस तरह से उन्होंने उनका थैंक्स किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट्स जीती, 62, कुल सीट्स कितनी थी 62, जो 2015 में कितनी थी 67। भाजपा ने यहाँ कितनी जीती हैं, ये आपने जीती हैं 8 और कुल भी 8, और आपने 2015 में कितनी जीती थी 3, यानी भाजपा का रैंक कुछ बड़ा है और इनका कुछ कम हुआ है, और कांग्रेस और अन्य तो किसी भी दायरे में नहीं आते हैं। अब लास्ट में एक नजर आप केजरीवाल सरकार की फ्री स्कीम पर भी डाल लीजिए। तो कौन सी फ्री स्कीम्स देंगे ये, बिजली हर महीने 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 201 से 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी। अब पानी पे क्या है, हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। तीर्थ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र से 1100 जो है सीनियर सिटीजन को निशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक के जरिए फ्री कंसल्टेशन और दवाइयां बांटी जाएंगी। MRI जैसे टेस्ट भी फ्री किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट DTC बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होगी। तो देखते हैं ये सब वाकई सिर्फ लिखी रहेंगी या ये लागू भी की जाएंगी फ्री स्कीम्स। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल समझ आई होगी। और आप इस टॉपिक्स पे से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप, मुझे आशा है कि आप ज़रूर कर पाएंगे आने वाले 2020 के IAS और HCS के एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।